गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी जो हम ऑनलाइन क्लासेज। आज हम एजी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है टिड्डी का प्रबंधन। टिड्डी के प्रबंधन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो सस्य प्रबंधन आता है। सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन के अंदर रात्रि व सवेरे से पहले यानी कि अंधेरे में टिड्डी के अभ्रक और वयस्कों को, अंधेरे के अंदर टिड्डी के अभ्रक और वयस्कों को एकत्रित कर फ्लेम थ्रोवर की सहायता से नष्ट कर दिया जाता है। फ्लेम थ्रोवर जो होता है ये आग की लपटें फेंकने वाला यंत्र होता है। आग की लपटें फेंकने वाला यंत्र होता है। इसके अलावा नीम की निमोली इसके 2% तेल निकाल के उस तेल का छिड़काव करने से भी कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इसमें जैविक प्रबंधन यानी कि टिड्डी के प्रबंधन के लिए जैविक कारकों का उपयोग किया जाता है। कुछ जीव है जो इनके अंडों और अभ्रकों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिसमें एक भ्रंग आता है, भ्रंग, और भ्रंग का जो नाम है वह है ट्रॉक्स प्रोसेरस। ये भ्रंग होता है जो टिड्डी के अंडों को खाकर नष्ट कर देता है। टिड्डी के जो अंडे होते हैं उनको खाकर नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त एक जीवाणु आता है। जीवाणु जो होता है वो बेसिलस थ्रेंजियनसिस। ये भी इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कुछ पक्षी होते हैं जो इसके अभ्रकों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिनमें मैना है और तीलियर पक्षी। ये टिड्डी के नियंत्रण में सहायता करते हैं, इसलिए मैना और तीलियर जो पक्षी हैं इनको संरक्षण करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इनकी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ये टिड्डी के जो कीट है, अभ्रक हैं, इनको नष्ट कर सके। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है। उन रसायनों से इनको नष्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले टिड्डी के जो प्रजनन स्थल के चारों ओर, जैसे कि ये एरिया जो है वो प्रजनन स्थल है, और इसके चारों ओर गहरी नालियां खोदी जाती है। गहरी नालियों के अंदर लिंडेन चूर्ण डाला जाता है, जिससे इसके अभ्रक जो होते हैं, प्रजनन स्थल से अभ्रक इन नालियों के अंदर आते हैं और इस चूर्ण की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। अभ्रकों का जो रास्ता होता है उस रास्ते के अंदर जहरीला चारा डाला जाता है। इस जहरीले चारे को खाकर अभ्रक नष्ट हो जाते हैं। चारे को जहरीला करने के लिए इसमें पेरिस ग्रीन नामक विषैला पदार्थ मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से टिड्डी का जो प्रबंधन है वो हम कर सकते हैं सस्य प्रबंधन के माध्यम से, जैविक प्रबंधन और
रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत। धन्यवाद।